हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से हम कुछ हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी के जो पास आउट स्टूडेंट्स हैं उनको एक महत्वपूर्ण जानकारी से अवगत कराना चाहते हैं। हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी ने 3 अप्रैल 2021 को एक नोटिफिकेशन जारी किया है उन सभी छात्रों के लिए जो स्टूडेंट्स ने हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी के अंतर्गत 2019-20 के स्नातक, स्नातकोत्तर या सेमेस्टर अंतिम वर्ष की परीक्षाएं उत्तीर्ण की हैं। मतलब सभी एक्स स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी कोई कोर्स पास कर चुके हैं हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी से और जो अपनी डिग्री यूनिवर्सिटी से इशू करवाना चाहते हैं उनके लिए ये एक महत्वपूर्ण अधिसूचना विश्वविद्यालय ने 3 अप्रैल 2021 को जारी की है। तो स्टूडेंट्स, इस नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ के आपको हम समझा देते हैं। जो स्टूडेंट्स अपनी डिग्री यूनिवर्सिटी से प्राप्त करना चाहते हैं वो इस अधिसूचना के साथ विश्वविद्यालय ने एक फॉर्म भी दिया है। ये डिग्री का फॉर्म है, इस फॉर्म का प्रिंट निकाल के भरकर और इसके साथ में मार्कशीट्स और सभी डॉक्यूमेंट्स, आपको अनिवार्य मार्कशीट्स और डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे जिसके डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में समझा रहा हूँ। आप सबसे पहले इस फॉर्म को प्रिंट निकालेंगे। ये फॉर्म आपको कहाँ मिलेगा आपको मैं बता दूंगा थोड़ी देर में, अभी इस वीडियो में। इस फॉर्म के साथ आपको अपनी 10th 12th की मार्कशीट के साथ, मैं रिपीट करता हूँ, 10th 12th की मार्कशीट के साथ जो भी आपने कोर्स कंप्लीट किया है, अगर वो एनुअल एग्ज़ाम पैटर्न का था तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर की मार्कशीट्स, अगर सेमेस्टर सिस्टम का था तो फर्स्ट सेम से लेकर 6th सेम तक की मार्कशीट्स की फ़ोटोकॉपी आप साथ में अटैच करेंगे, उसको सेल्फ अटेस्ट करेंगे। अगर आप रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं तो आप उसको अपने कॉलेज के प्रिंसिपल से भी अटेस्ट करवा सकते हैं। और इसके साथ में निर्देश भी यूनिवर्सिटी ने इसको इसके साथ जारी किया है। निर्देश को हम एक बार पढ़ के आपको बता देते हैं कि जो डिग्री सर्टिफिकेट के लिए जो स्टूडेंट्स आवेदन करना चाहते हैं वो अपनी सभी मार्कशीट्स की प्रतिलिपि की जाँच कर लें। 10th 12th की मार्कशीट के अनुसार आपका नाम और फादर्स नेम सेम होना चाहिए यूनिवर्सिटी की मार्कशीट्स में भी। अगर कोई डिफरेंस है नाम में और आपके फादर्स नेम में या हस्बैंड्स नेम में या मदर्स नेम में तो उसको पहले करेक्शन ज़रूर करवा लें उन मार्कशीट्स का। उसके अलावा रोल नंबर, नामांकन नंबर और जो प्राप्तांक हैं, किसी तरह की त्रुटि नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई संशोधन है तो उसको पहले सुधार करवा लें फिर डिग्री के लिए अप्लाई करें। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट है कि आवेदक स्वयं आवेदन पत्र की पृष्ठियों को अपने हाथ से आपको इस फॉर्म को भरना है और आवेदन पत्र में आपको एक पता लिखना होगा, अपना एड्रेस लिखना होगा जिस पर आपको डिग्री यूनिवर्सिटी बाय पोस्ट भेजेगी। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि संबंधित समस्त परीक्षाओं की अंकसूचियों को स्वप्रमाणित छाया प्रति यानी कि सेल्फ अटेस्टेड, स्वयं के हस्ताक्षर करने होंगे आपको सभी मार्कशीट्स पर। 10th 12th की अंकसूची और आधार कार्ड की प्रतिलिपि भी आपको साथ में लगानी होगी इसमें। अब जो फीस है, डिग्री की फ़ीस है 300 रुपये। यदि किसी स्टूडेंट को अर्जेंटली डिग्री चाहिए तो अर्जेंट फीस 700 रुपये है, पर उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट लगाना होगा कि आपको अर्जेंट डिग्री क्यों चाहिए। ये किसी का कोई इंटरव्यू है या कहीं जॉब के लिए आपको तत्काल अगर कोई डिग्री की मांग कर रही है कोई संस्था तो उसका डॉक्यूमेंट आपको लगाना होगा। ये पॉइंट नंबर 7 में लिखा गया है। अगर किसी ने डिग्री इशू करवा ली है और वो डुप्लीकेट डिग्री इशू कराना चाहता है तो पॉइंट नंबर 8 में उसके लिए जिक्र किया गया है कि उसे एक हलफनामा, एक अंडरटेकिंग देना होगा और एक हलफनामा अंडरटेकिंग एक स्टैम्प पेपर में और साथ में पुलिस की रिपोर्ट, FIR की एक प्रति और अपना एक स्वयं का पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ, और उसकी फ़ीस 750 रुपीज़ है, ये जमा करना होगा। और जो मूल उपाधि, आपको मूल डिग्री जो ओरिजिनल डिग्री मिली है, डुप्लीकेट डिग्री अगर आप बनवा रहे हैं तो वो ओरिजिनल डिग्री के 6 महीने के बाद ही आपको मिल पाएगी। और 9th पॉइंट में यूनिवर्सिटी ने बताया है कि जो डिग्री सर्टिफिकेट्स हैं वो रजिस्टर्ड पोस्ट से ही स्टूडेंट्स के एड्रेस पर भेजे जाएंगे और स्टूडेंट्स इस फॉर्म को भरकर यूनिवर्सिटी में जो काउंटर निर्धारित है वहाँ आकर इसको सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ जमा कर सकते हैं। उसकी जांच उपरांत, अच्छा पहले आप काउंटर में जाके अपने आवेदन का जांच करवा लें, उसके बाद आप बैंक जाकर डिग्री की जो फ़ीस है उसको आपको बैंक में जमा कराना होगा, जो पॉइंट नंबर 12 में मैंशनड है।
यूनिवर्सिटी ने बैंक का नाम लिखा हुआ है, बैंक ऑफ बड़ौदा, उसका खाता नंबर भी दिया है जो कुल सचिव हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी के नाम से दे है। यहाँ पर आप बैंक में जाकर इस अकाउंट में कैश या ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और उसकी जो ओरिजिनल रिसिप्ट है उसको आपको आवेदन के साथ जमा करना होगा। तो कुल मिला के आवेदन पहले भर लें, उसके साथ सभी सेल्फ अटेस्टेड मार्कशीट्स लगाएं, यूनिवर्सिटी के काउंटर में जाकर आवेदन को चेक करवा लें, उसके बाद बैंक में जाकर फ़ीस जमा करें, उस फीस की ओरिजिनल रसीद फॉर्म और मार्कशीट्स के बंच के साथ लगाएं और उसको यूनिवर्सिटी में जमा कराएं, और यूनिवर्सिटी आपके डिग्री के आवेदन को प्रोसेस करके डिग्री आपको रजिस्टर्ड पोस्ट से आपके बताए गए पते पर भेज देगी। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी थी उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो डिग्री निकलवाना चाहते हैं हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी से। अब ये जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, और जो फॉर्म देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, और जो निर्देश देख रहे हैं, ये आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर भी मिल जाएगा, और साथ ही साथ साईं कॉलेज की वेबसाइट पर भी मिल जाएगा। साईं कॉलेज की वेबसाइट पर कहाँ देख सकते हैं मैं वो भी आपको बता देता हूँ। साईं कॉलेज की वेबसाइट का नाम जो एड्रेस है वो है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं टॉप में, saikollege.org। आप जैसे ही ये saikollege.org खोलेंगे तो राइट में देखिए तीन लाइंस हैं, जहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको स्टूडेंट सेक्शन दिखेगा। स्टूडेंट सेक्शन पे आप अगर क्लिक करेंगे, देखिए राइट साइड पे आपने क्लिक किया, स्टूडेंट सेक्शन पे आपने एरो पे क्लिक किया, तो जो लास्ट है ऑप्शन वो है फॉर्म फॉर अप्लाइंग फॉर डिग्री। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो एक डाउनलोड के लिए ऑप्शन आ जाएगा, उस डाउनलोड पे आप क्लिक करेंगे तो ये नोटिफिकेशन, फॉर्म और निर्देश आप साईं कॉलेज की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। साईं कॉलेज हमेशा स्टूडेंट्स तक सही जानकारी समय पर पहुंचाने का प्रयास करता है इस YouTube चैनल के माध्यम से। जिन स्टूडेंट्स ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लें, क्योंकि हम समय समय पर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस YouTube चैनल से स्टूडेंट्स तक पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। थैंक यू।